हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज है। अगर आपका एक दो कॉलेज है जिसकी मान्यता हो गई थी रद्द, लेकिन अब उसकी उसको दे दिया गया है उसका मान्यता, तो देख लीजिए अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन मिला है या कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उस कॉलेज में आपका हुआ है तो आप उस कॉलेज के बारे में देख लीजिए कि आपको कौन कौन से वो कॉलेज है। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला कॉलेज क्या है, टीपी कॉलेज व पार्वती कॉलेज की रद्द हुई थी बीएड की मान्यता, उसकी सुनवाई पूरी हो गई। फिर दूसरा देख लीजिए यहाँ पे न्यूज क्या है, कॉलेज द्वारा सभी वांछित कागजात एनसीईटी को जमा किया गया, सुनवाई पूरी हो गई, जल्द ही आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। कौन कौन से वो कॉलेज है वो भी जान लीजिए। तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय अर्थात टीपी कॉलेज और पीएस कॉलेज में बीएड में प्रथम वर्ष के नामांकन शुरू होने की संभावना बढ़ गई। यानी कि आपका इन दोनों कॉलेजों में अगर हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसकी मान्यता मिल चुकी है। फिर है कि इन कॉलेजों में बीएड की मान्यता रद्द होने से कारण 300 छात्र इन कॉलेजों में पढ़ने से वंचित हो रहे थे। बीएड से संचालित अंगीभूत कॉलेज में पढ़ाई करने से इच्छुक छात्र बीएड के नामांकन में हुए पहला काउंसलिंग में इन तीनों कॉलेजों में च्वाइस कॉलेजों की सूची नहीं चुन सके थे। एनसीईटी भुवनेश्वर द्वारा बीएड की मान्यता रद्द किए जाने के बाद टीपी कॉलेज एवं पीएस कॉलेजों में एनसीईटी की नई दिल्ली मुख्य कार्यालयों में, मतलब कि एक ओवरऑल ये है इसमें खबर है कि इन दोनों कॉलेज की जो मान्यता रद्द हुई थी, अब इस कॉलेज में आपके एडमिशन आप ले सकते हो, भूपेंद्र नारायण सिंह कॉलेज और टीपी कॉलेज व पार्वती कॉलेज, यानी कि ये दो कॉलेजों की मान्यता अब मिल चुकी है, आप इसमें जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरी बात कि एक बार आप LNMU के हेल्पलाइन नंबर पर तैयार, क्योंकि बहुत लोगों के साथ बहुत धोखा हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास धोखा नहीं, वैसे सुनवाई तो कुछ होने वाला नहीं है, उससे बेटर है कि आप किसी और कंपटीशन, रेलवे आया है, SSC आया है, आप उसको इस चीज़ को फील करें, जॉब हो जाएगी वो बेटर है। दो साल इसमें भी ऐसे पढ़ना पड़ेगा, आप क्या करोगे, LNMU भविष्य बर्बाद कर देगा। क्या गारंटी है कि एडमिशन हो जाए तो एग्जाम भी सही से होगा या नहीं, तो आप देख लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपके पास गोल्डन चांस है। वो चांस कौन सा है, तो रेलवे का, जिसमें करोड़ लाखों वैकेंसी है, तो वहां पे जाकर आप ट्राई कीजिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो। फिर SSC है उन लोगों के लिए, और जिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है वो लोग ही बीएड करें। बाकी अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है तो जॉब में अपना दिमाग ले, एक दो साल जॉब के प्रिपरेशन जरूर करें, तब तक कहीं LNMU का टेंडर खत्म हो जाए, कोई और कॉलेज ले, NOU इससे कहीं ज्यादा बेटर था।